दमोह के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में लंबे अंतराल के बाद मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री भाजपा के कद्दावर नेता जयंत मलैया एक बैठक के दौरान नजर आए हैं। दरअसल मंत्री होने के दौरान वे लगातार इस कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक लेते रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहे हैं, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में हार के बाद और सरकार के जाने के बाद, फिर सरकार के आने के बावजूद भी पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया किसी भी बैठक में इस जिला कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में नजर नहीं आए। लेकिन कुंडलपुर महामहोत्सव के लिए जैसे ही मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा को प्रभारी मंत्री महामहोत्सव बनाया गया, वैसे ही मंत्री सकलेचा पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचे और उनके आग्रह पर पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान अन्य राजनेता भी इस बैठक में नजर आए और महामहोत्सव के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया से अनेक विषयों पर विचार विमर्श भी बैठक के दौरान किया। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के इस बैठक में शामिल होने के बाद दमोह शहर में अब चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो चला है। देखना होगा आगामी महामहोत्सव में अब मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा को प्रभारी मंत्री का दायित्व मिलने के बाद मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री दमोह के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, उनका किस तरह से भूमिका इस महामहोत्सव को लेकर के नजर आती है, दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज, दमोह। सर, जो 40 लाख लीटर प्रतिदिन की डिमांड है वो जल निगम के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी, उसमें जो एस्टिमेट बनाया गया है सर, उसमें 22 किलोमीटर पाइपलाइन, 110 टंकियां और एक जो बड़ी टंकी क्षेत्र में बनी है उसको भरने के लिए 700 मीटर का डीआई पाइप, ये मुख्य मुख्य चीजें हम लोगों ने ले लिए सर। जाएगी बातें, क्योंकि कोई रेगुलर परमानेंट सिस्टम तो है नहीं जिस पर अपन ट्रैकिंग करेंगे सर, ये सब मैनेजमेंट आपको अकाउंटेबल की एक जगह करते हुए पूरी अथॉरिटी देके कितना एक्स्ट्रा चाहिए, कितना आपके यहाँ से हो रहा है, कितना बाहर से हो रहा है। परसों आए थे जी सर, तो सर साहब का चुकी विजिट हो चुका और जो हमारी प्रारंभिक तैयारी थी वो देख चुके हैं सर। इस पूरे आयोजन में सबसे अच्छी चीज ये है कि हमारे पास यहाँ पानी की उपलब्धता काफी अच्छी है सर, क्योंकि जो 22 गांव हम लोग दे रहे हैं जल्दी हमसे, और उसके अलावा जो हमारे पास सरप्लस स्टोरेज आ जाता है तो हम लोग पानी के मामले में तो अवेलेबिलिटी हमारी भरपूर है सर, पानी की शॉर्टेज नहीं है। मतलब सबसे अच्छी चीज जो इस आयोजन में है कि पानी की शॉर्टेज उपलब्धता बहुत अच्छी है सर। फिर आई सर हमने टेक्निकल फिजिबिलिटी का, कौन कौन सा संसाधन अपन लोन लेके काम करा सकते हैं एक से दो महीने, उसको भी अपन ने कुछ स्टडी किया क्या सर? सोलर लाइन से कनेक्ट कर, उसमें क्या दिक्कत है? इसमें जो पर्सन डिपार्टमेंट है सर सोलर वाले यहाँ पर होंगे, हो गया हो गया एक डेढ़ महीने में